गुड मॉर्निंग बेटा। आज हम हमारी प्रज्ञा एकेडमी की ऑनलाइन क्लास में जो हमारा टॉपिक चल रहा था उससे आगे देखेंगे। हमारा टॉपिक चल रहा था जल का वितरण, जल की कमी अर्थात जल की दुर्लभता, जल की दुर्लभता। ये हमने उस दिन टॉपिक पढ़ा था कि जल का वितरण की भारतीय संस्कृति में जल को अमृत के समान माना गया है, जल ही जीवन है और जल के बिना इस पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं है। जल का वितरण अपन ने देखा था कि पृथ्वी जो है उसके 71% धरातल के 71% जो 71% भाग जो है उस पर जल है और 29% भाग जो है वो स्थल है। उससे आगे अपन ने पढ़ा था कि ये जो 71% भाग जो है जिस पर जल है इसका 90% भाग जो है वो सागरों महासागरों में खारे पानी के रूप में है, जबकि 3% जो जल है वो मानव उपयोग के लिए है। 3% जो जल है उसका भी 69% है वो बर्फ के रूप में है, 30% जो है वो भूमिगत है और मात्र 1% जल वो है जिसको मानव उपयोग के लिए काम में लिया जाता है। इससे आज अपन आगे देखेंगे। फिर जल के अपन ने दुर्लभता, जल की कमी देखी थी कि वर्तमान समय में बढ़ती जनसंख्या की मांग की पूर्ति अर्थात जो जनसंख्या अति प्रगति से बढ़ रही है, जितनी अधिक जनसंख्या बढ़ रही है उतनी ही पानी की आवश्यकता बढ़ रही है, तो पानी की उपयोगिता बढ़ रही है तो जनसंख्या वृद्धि, वैश्विक उष्णता, वर्षा की कमी, मानसून की अनियमितता, इसके कारण जो है जल की दुर्लभता लगातार बढ़ती जा रही है। इसके अलावा जो अलवणीय जल जो है वो अलवणीय जल जो है उसकी मात्रा कारण उद्योग धंधों का प्रचार प्रसार हो रहा है। स्वतंत्रता के बाद से लेके बहुत अधिक मात्रा में जो है उद्योग धंधे विकसित हुए, उद्योग धंधों से निकलने वाले अवशिष्ट पदार्थ जो हैं, गंदगी जो हैं वो पानी में मिलती है और जल दूषित हो जाता है। क्या हो जाता है? जल दूषित हो जाता है। इससे आगे अपने टॉपिक देखा था कि जल का संरक्षण, जल संरक्षण, जल संरक्षण देखा था कि भाई ये जो जल संरक्षण है, ये जो जल संरक्षण है ये जल संरक्षण क्यों जरूरी है, क्यों जरूरी है जल संरक्षण, जल का संरक्षण, जल के संरक्षण में ये था कि भाई जो टॉपिक अपन देखे थे कि जनसंख्या वृद्धि के कारण जो जल की मांग बढ़ती जा रही है तो उस मांग की पूर्ति के लिए, उस मांग की पूर्ति के लिए अकाल और सूखे की समस्या, अकाल और सूखे की समस्या से, अकाल और सूखे की समस्या से निपटने के लिए हमें जो है जल का संरक्षण करना जरूरी है। कैसे होता है जल का संरक्षण? हम देख रहे हैं कि प्राचीन समय से ही सेठ साहूकार राजा महाराजा इन्होंने पानी की कमी को देखते हुए और जल संरक्षण की कई विधियां अर्थात कई जो तरीके हैं वो अपनाएं, कई स्रोत बनाए, कुएं तालाब बावड़ी नहर झीलें बांध ये उन्होंने बनाए थे। कारण क्या था कि उनको पता था कि मानसून की अनियमितता के कारण, मानसून की कमी कारण, बरसात की कमी के कारण जो अकाल और सूखे की समस्या उत्पन्न हो जाती है, किसकी, अकाल और सूखे की, अकाल और सूखे की समस्या उत्पन्न हो जाती है, उस अकाल और सूखे की समस्या से बचने के लिए सेठ साहूकारों ने जो है कुएं तालाब बावड़ी नहर इनका निर्माण करवाया। आज समय पर ही हम देखते हैं कि बांध जो है उन बांधों का निर्माण, बांधों का निर्माण भी बहुत आयत मात्रा में किया गया है। भाखड़ा नांगल बांध जो है, दामोदर घाटी है, बीसलपुर बांध है, ये जो योजनाएं बनाई गई, पांचना बांध है, ठीक है ना, हीराकुंड बांध है, ये जो बांधों का निर्माण किया गया इसका उद्देश्य ऐसा नहीं है कि केवल मात्र पानी की पूर्ति बल्कि सिंचाई, सिंचाई के साथ साथ ये जो है विद्युत उत्पादन, विद्युत उत्पादन, सिंचाई विद्युत उत्पादन, मत्स्य पालन, पेयजल, पेयजल की आपूर्ति, पेयजल की आपूर्ति, नौ संचालन, मनोरंजन,
पर्यटन आदि कई उद्देश्यों को की पूर्ति करने के लिए बांधों का निर्माण किया जा रहा है। इन बांधों से अधिकांश मात्रा में जो है सिंचाई, खासतौर पर कृषि क्षेत्र में जो है सिंचाई की व्यवस्था उपलब्ध कराई जाती है। इसके साथ साथ पेयजल की सुविधा भी इन बांधों के द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। जैसे कि बिसलपुर बांध है, बिसलपुर बांध जो है कहाँ, टोंक जिले के टोडा रायसिंह कस्बे, टोंक जिले के टोडा रायसिंह कस्बे के पास बिसलपुर नामक स्थान पर जो है ये कौन सा बांध बनाया गया है, बिसलपुर बांध। बिसलपुर बांध जो है पेयजल और सिंचाई दोनों के उद्देश्य से बनाया गया है। अर्थात ये जो बांध है बिसलपुर बांध, ये पेयजल की सुविधा उपलब्ध करवाता है और सिंचाई की सुविधा भी उपलब्ध करवाता है। टोंक जिला जो है सवाई माधोपुर, उसके लिए सिंचाई की जयपुर, अजमेर, ब्यावर, केकड़ी, सरवाड़ और रस्ते पड़ने वाले जो क्षेत्र हैं उन सबको ये पेयजल, टोंक जिले के 256 जो गाँव हैं उनको सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवाता है। लेकिन इसी कारण से ये जो परियोजनाएं हैं, जैसे बांध वगैरह हैं, इनके साथ जो उद्देश्य परियोजनाओं को जोड़ा जाता है, इनके कारण ही इन्हें जो अपन ने पिछले वीडियो में देखा था, किसने, पंडित जवाहरलाल नेहरू, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसी कारण से ये जो परियोजनाएं जो है इन बांधों का निर्माण इनके द्वारा जो इतने उद्देश्यों की पूर्ति की जाती है, इन्हीं कारण से ये जो उद्देश्य परियोजनाएं थी इनको आधुनिक भारत के मंदिर कहा था। ये भी हमने देखा था, आधुनिक भारत के मंदिर। क्वेश्चन है, आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किसे कहा है, बहुद्देश्य परियोजनाओं को। क्यों कहा है, क्योंकि ये परियोजनाएं एक साथ एक से अधिक उद्देश्यों की पूर्ति करी है। क्वेश्चन किस तरह के पूछा हो सकता है, बहुद्देश्य परियोजनाएं किसे कहते हैं, ऐसी परियोजनाएं जो एक साथ एक से अधिक उद्देश्यों की पूर्ति करती है, जो टॉपिक में पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूँ। इससे आगे हम देखते हैं कि ये जो जल का संरक्षण, जल का वितरण, जल की दुर्बलता, जल की कमी हमने देखी, इस बात हम देखते हैं कि जल संरक्षण के जो तकनीक है, जैसे कि एक है टांका और वर्षा जल संग्रहण, वर्षा जल संग्रहण टांका, या इसको छत वर्षा जल संग्रहण भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, छत वर्षा जल संग्रहण। अब छत वर्षा जल संग्रहण क्या है, आपने देखा होगा कि बरसात के समय पर जो पहली बरसात आती है, क्या आती है, पहली बरसात, उस पहली बरसात के समय पर जो है लोग अपनी छतों की जो है, मकानों की छत जो है उनकी सफाई कर देते हैं, उनकी धुलाई कर देते हैं। उस छत के माध्यम से, उस छत का जो ढलान होता है, उस ढलान से जो है एक पीवीसी पाइप, कौन सा, पीवीसी, उस पीवीसी पाइप जो है उसको छत के ढलान से नीचे जो है, और छत के नीचे आंगन में जो है एक टांका बना दिया जाता है। अर्थात एक 5-6 फीट का एक घेरा जो है, गड्ढा खोद दिया जाता है, और उस छत का जो पानी है, जिसे पहली बरसात में छत को सफाई कर दी गई थी, और उसके बाद उस बरसात का जल उस पीवीसी पाइप के माध्यम से, उस पीवीसी पाइप के माध्यम से उस टांके में जाके क्या हो जाता है, एकत्रित हो जाता है। क्या हो जाता है, एकत्रित हो जाता है। उस वो जो टांके का निर्माण किया जाता है, उसमें या तो मिट्टी, बजरी, कंकड़, राख जो है उसको अंदर चारों तरफ क्या कर दिया जाता है, लेप कर दिया जाता है। क्यों किया जाता है लेप, क्योंकि लेप करने से पानी का रिसाव और मिट्टी का कटाव दोनों ही जो है रुक जाते हैं, अर्थात बंद हो जाते हैं। उसके बाद वो जो पानी है, जो टांके में पानी इकट्ठा हुआ, उस टांके के पानी में कंकड़ या मिट्टी डालकर उसे शुद्ध भी किया जाता है। कैसे किया जाता है, क्योंकि उस कारण से कंकड़ या मिट्टी डालने के कारण उस पानी के अंदर की जो गंदगी है वो नीचे बैठ जाती है, और उस पानी को लंबे समय तक, साल भर तक जो है उस पानी को उपयोग में लिया जाता है। इसमें लिया जाता है, उपयोग में भी लिया जाता है। हालांकि हम देखते हैं कि आजकल टांका जो है वो आपको प्रति घरों में देखने को मिलेगा, घरों में, खेतों में जो है आज टांके का बहुत अधिक निर्माण किया जा रहा है, नहीं है? और राजस्थान में तो जो है मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना के अंतर्गत जो है प्रत्येक घरों में, ये मानो कि उस क्षेत्र में, खासतौर पर मुझे जैसलमेर जो क्षेत्र है, पश्चिमी राजस्थान जो है उसमें तो उनका निर्माण अनिवार्य ही है, और अदर जगह पर भी जो है खासतौर पर उनका निर्माण किया जा रहा है, रख रखाव किया जा रहा है। तो ये छत वर्षा जल संग्रहण हो गया और ये टांका हो गया। टांके का निर्माण, टांके का निर्माण जो है एक 5-6 फीट गहरा गड्ढा जो है, चौकोरनुमा गड्ढा खोद कर, और
उसमें जो है पानी एकत्र किया जाता है, जिसको अपन ने देखा था उस वीडियो में। जैसे आप टॉपिक देखो, जल संरक्षण, जल संरक्षण। क्या है जल संरक्षण? ये जो पानी जो व्यर्थ बह रहा है, बरसात का पानी आप देखते हो कि बरसात का पानी व्यर्थ बहता हुआ, व्यर्थ बहता हुआ, और नदियों के माध्यम से या अपना जो तय रास्ता है उस रास्ते से सागरों और महासागरों में जाके मिल जाता है, सागर और महासागरों में जाकर मिल जाता है। सागरों में और महासागरों में जाकर मिलने के कारण वो जो जल है जो हमारा 3% और 1% जो हम उपयोग में ले रहे हैं वो हमारे किसी काम का नहीं रहता, वो ना ही हमारे किसी उपयोग आता है, बल्कि वो जो जल है, वो जल जो है जो अपन ने देखा था सागरों और महासागरों में जाके मिल गया, खारे पानी में मिल गया, और वो हमारे किसी उपयोग का नहीं रहा। इसलिए किसी भी स्थान पर, किसी स्थान विशेष पर, किसी स्थान विशेष पर बरसात के व्यर्थ बहते हुए पानी को रोक कर इकट्ठा करना, उसे बचाना और अपने उपयोग के लिए उसका संरक्षण करना जो है, अपने उपयोग के लिए उसे एकत्रित करना जो है, वो ही जल संरक्षण कहलाता है, जो अपने पिछले टॉपिक में भी आपको देखा था। लेकिन जल संरक्षण जरूरी क्यों है, क्यों जरूरी है? क्योंकि ये माना जा रहा है कि जिस हिसाब से जनसंख्या वृद्धि हो रही है, जिस हिसाब से जल का अवैज्ञानिक उपयोग किया जा रहा है, जिस हिसाब से जल की कमी होती जा रही है, उससे 2025 में पानी का एक बहुत बड़ा संकट उत्पन्न होने वाला है, पानी का एक बहुत बड़ा संकट जो है पैदा होगा। कारण क्या है? कारण यही है, तीव्र गति से बढ़ती जनसंख्या। ये अपने जो पॉइंट देखे थे, तीव्र गति से बढ़ती जो जनसंख्या है, वैश्विक उष्णता है, मानसून की अनियमितता है, मानसून की कमी है, जल का अवैज्ञानिक उपयोग है, आज हम देखते हैं कि जल का व्यर्थ, केवल जो सभ्यता में जो परिवर्तन हुआ है, जो अपन की संस्कृति अपने रहन सहन में जो परिवर्तन हुआ है, शहरों में आपने देखा होगा कि पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत और बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी व्यर्थ जो है वो फैलाया जाता है। आज का जो जीवन है ये दिखावटीपूर्ण जीवन में जो है पानी का महत्व न समझकर और उसे जो व्यर्थ या नुकसान किया जा रहा है, उसके परिणाम में कि 2025 में पानी का एक बहुत बड़ा संकट उत्पन्न होगा। इसके अलावा जो है एक बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली जो है, ये पूरा मैं आपको समझाता हूँ, उसका बांस ड्रिप सिंचाई मेघालय में क्या होता है। बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली मतलब होता है कि पानी की बचत करने के उद्देश्य से, पानी के संरक्षण के उद्देश्य से बांस ड्रिप प्रणाली जो है, जो तुम देखो ना फव्वारा पद्धति, फव्वारा पद्धति क्या होता है कि खेतों में जो है फवारे के रूप में जो है तुम आप देखा होगा वो लगा दिए जाते हैं, और जो पानी जिस तरीके से अपन खेतों की सिंचाई करते हैं उसमें देखा होगा आपने कि पानी जो है व्यर्थ रह जाता है, बहुत अधिक मात्रा में पानी जो है खेत से बाहर निकल के भी व्यर्थ हो जाता है। लेकिन फवारा जो सिंचाई पद्धति है, उस फवारा सिंचाई पद्धति में क्या है कि उस फवारे के माध्यम से जो है कम मात्रा में पानी जो है रेगुलर उस खेत में जो है डाला जाता है, और धीरे 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 जो है वो पानी जमीन भी सोखती है, क्योंकि बहता हुआ पानी जो है वो जमीन में भी नहीं रुकता है, भूमिगत जल की में वृद्धि नहीं होती है। लेकिन जो फव्वारा सिंचाई पद्धति जो है उसे धीरे 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 जो है फव्वारे के रूप में उसमें खेत की जो सिंचाई होती है, पानी लगता है और वो पानी जमीन में रिश्ता भी जमीन में अंदर भी जाता है, जिससे भूमिगत जल जो है, जिसे भूमिगत जल का स्तर जो लगातार निम्न होता जा रहा है, भूमिगत जल का स्तर जो लगातार कम होता जा रहा है, उसमें भी उससे फायदा मिलता है। भूमिगत जल स्तर बढ़ेगा, तो पानी की सुविधा बढ़ेगी। तो उस बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली के अंदर क्या है, पूरा बांस लिया जाता है, एक लंबा जो है जो अंदर से पूरा बांस जो है वो खुला अर्थात पोला ऐसा होता है, और उसमें छोटी छोटी जो बांस जो आपने देखी होगी बांसुरी, इस बांसुरी की तरह जो है उसमें छोटी छोटी जो है छिद्र कर दी जाती है, उस बांस में जो है पानी भरकर और उस बांस के माध्यम से वो जो उसमें छिद्र जो है उन छिद्रों के माध्यम से जो है सिंचाई की जाती है। मेघालय में खासतौर पर ये प्रचलित है, इसको बोलते हैं बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली। तो आज के हमारे टॉपिक
कारण समझना, फर्स्ट वीडियो से आप देखना। सबसे पहले तो जल, जल का वितरण, जल के वितरण पूरे टॉपिक समझना, फिर जल संरक्षण क्या है, जल की दुर्लभता क्या है, जल की कमी ठीक है ना, क्या कारण है, बांध, बांधों का निर्माण, भौतिक परियोजना ने क्या कहा है, क्यों कहा गया है, क्या उद्देश्य है, किन चीजों की पूर्ति करती है, फिर आधुनिक भारत के मंदिर किसने किसे कहा है, क्यों कहा है, फिर आपकी जो है टाका वर्षा जल संग्रहण ठीक है ना, उपयोग, जल का संरक्षण, आपकी जो है बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली। एक बार इन टॉपिक को देखना, कोशिश करो कि याद करने के बाद जितना हो सके उतना लिखो। लिखने से क्या है कि लगातार आपको ना तो वीडियो देखने होंगे अर्थात मोबाइल का यूज़ जो है कम होगा, और वो चीज़ आपके माइंड में रहेगी तो आप उसको लिखने की कोशिश करोगे। लिखो और लिखने के बाद उसको फिर रेगुलर क्या करो, उसको रिपीट करो, रेगुलर रिपीट करो। ठीक है बेटा, धन्यवाद।